गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लेसन नंबर सिक्स कर रहे थे एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, और अभी तक हमने पढ़ा है कि कैसे दोनों भाई बहन जो है मिस्टर नॉर्थ के बारे में खोजबीन करने की छानबीन करने की कोशिश करते हैं एक बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह। एज यू कैन सी लेसन का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो माया जो है वो कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस होती है, तो वो निषाद को ये आइडिया देती है कि हम जो है बिल्कुल डिटेक्टिव्स की तरह ही मिस्टर नाथ की इन्फॉर्मेशन जुटाएंगे, और धीरे धीरे जो है उन पर फैक्ट्स जो हमको मिलेगा उससे हम उसे ये साबित कर देंगे कि मिस्टर नाथ जो है वो एक चोर है। जबकि माया का जो छोटा भाई निषाद है उसको ऐसा नहीं लग रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, और जब उनकी समर वेकेशंस ख़त्म होने को होती है तब ज़ोरदार बारिश हो जाती है अगले दिन, तो वो स्कूल उस वजह से नहीं जा पाते क्योंकि सड़कों पर पानी भर जाता है और जो व्हीकल्स है वो आगे मूव नहीं कर पाते। तो उस दिन क्या है कि एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। आई थॉट आई वुड स्पेंड द टाइम यूजफुली। आई सेट एट माई डेस्क इन आर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। तो माया ने डिसाइड किया कि जो हॉलीडे उनको मिली है उसका वो सही इस्तेमाल करेगी, और वो अपने साथ एक पेपर शीट लेकर के बैठ गई बेडरूम की डेस्क में। नाउ दिस इज़ पार्ट सेकेंड। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। एक लार्ज ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर्स में माया लिखती है ये, एज यू कैन सी कैचिंग अ क्रुक। और क्रुक कौन था माया की नज़र में? मिस्टर नाथ। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। सो ये चीज़ जो है माया ने अपने शीट पर ऊपर ही ऊपर लिखी। तो शी वॉज थिंकिंग हर सेल्फ लाइक एन एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ठीक है, तो अपने आप को वो एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव समझने लगी थी क्योंकि वो काफ़ी क्यूरियस थी। वो जानना चाह रही थी कि मिस्टर नाथ जो है, और एक्चुअली वो जानना नहीं चाह रही थी, वो अपने आप में समझ चुकी थी कि मिस्टर नाथ तो एक चोर है। शी जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव दैट इन फ्रंट ऑफ हिज ब्रदर एंड टू द होल वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा कि इससे उसे एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह, जस्ट लाइक शर्लोक होम्स, कि उसने एक मिस्ट्री फुल केस सॉल्व किया है। लेकिन उसका ब्रदर जो है वो डिनाई कर रहा था, उसके ब्रदर को बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रुक है, एक चोर है। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम रीड करते हैं। नाउ देन आई बिगेन राइटिंग। तो माया लिखने लगी, मैं लिखने लगी। अबाउट हाफ एन आवर लेटर आई टर्न टुवर्ड सेवन हु वॉज लाइंग ऑन हिज टमी चिन कप्ड ऑन हिज पाम रीडिंग कॉमिक्स। तो लिखने के आधे घंटे बाद में मैं सेवन की तरफ मैंने ध्यान दिया जो कि उल्टा लेटा हुआ था, चिन कप इन हिज पाम्स रीडिंग कॉमिक्स। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि शी वॉन्टेड टू टॉक टू हिज ब्रदर। वॉन्ट टू हियर वॉट आई हैव रिटन। जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा, मैंने पूछा, माया ने पूछा अपने भाई से कि तुम जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा इतनी देर। ही लुकड अप क्वेश्चनिंगली। अब वो सवाल, मतलब उसने अपनी सिस्टर की तरफ एक सवालात्मक नज़रिए से देखा कि जैसे कि ही लुक क्वाइट डाउटफुल, मतलब ठीक है डाउटफुल वे में उसने अपनी सिस्टर की तरफ देखा। आई हैव ग्लिसन्ड ऑल द फैक्ट्स वी नो अबाउट मिस्टर नाथ विच माइट हेल्प अस टू ट्रैप हिम, आई सेड। तो मैंने कहा मेरे भाई को कि देखो मैंने जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी सब कुछ जो हमने कलेक्ट किए हैं मिस्टर नाथ के बारे में, जिससे हमें विच माइट हेल्प, शायद जिससे हमें मदद मिल सकती है उसे पकड़ने में, उसे फंसाने में, जिसमें जिनकी मदद से हम उसे दूसरों के सामने इनलाइटन कर सकते हैं, आई सेड। तुम सुनना चाहोगे? वॉन्ट टू हियर? सेवन नॉडेड। सेवन ने अपना सिर हिलाया, मतलब ही सेड ओके यस। सो फैक्ट नंबर वन आई रेड, हिज नेम इज़ मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उसका नाम जो है वो मिस्टर नाथ है, हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम क्या है वो जानना होगा। ये है फैक्ट नंबर वन जो माया ने अपने उस पेज में लिखा था। ठीक है, डू यू थिंक दैट दैट्स हिज रियल नेम माया? निषादास। तो निषाद ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये इसका रियल नेम है माया? प्रॉबेबली नॉट, आई सेड। हो सकता है नहीं हो, मैंने कहा। मोस्ट क्रुक्स हैव एन एलियास। बहुत सारे जो चोर होते हैं उनका एलियास मीन्स एन अल्टरनेट नेम, जिनका एक वो अपना दूसरा नेम का इस्तेमाल करते हैं, वो उनका ओरिजिनल नेम का इस्तेमाल नहीं करते। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ। सो शी वॉन्टेड टू नो
वॉट इज़ हिज फर्स्ट नेम, कि भाई उसका फर्स्ट नेम क्या है, कि क्योंकि मिस्टर नाथ जो है वो एक चोर है और चोर जो होते हैं वो अक्सर अपना दूसरा नाम इस्तेमाल करते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क है कि उसका पहला नाम क्या है। नाउ फैक्ट नंबर टू, आई रीड ऑन, मैं पढ़ती गई, मतलब ये अपने भाई को सुना रही थी जो कुछ भी उसने उस पेपर पे लिखा था। द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार, ठीक है, जो किराएदार जो है वो शंकर के घर में वो ऐसा कहते हैं मिस्टर नाथ के बारे में कि वो पागल है, ही इज़ मैड, कौन पागल है, मिस्टर नाथ, स्ट्रेंज मतलब काफ़ी डिफरेंट पर्सन है, काफ़ी अजीब पर्सन है, और अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली मतलब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, इतना व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो अब नंबर थ्री, ये तो हुआ फैक्ट नंबर टू, नाउ नंबर थ्री, ही डज नॉट टॉक टू एनी वन एंड हिज एंड इज़ मैनरलेस, वो किसी से बात भी नहीं करता और उसके अंदर मैनर्स की कमी है, वो मैनरलेस इंसान है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड, तो निषाद ने बीच में रोक करके कहा लेकिन यार वो अपने से तो बात करता ही है, और मामा ये भी कहती है कि वो काफ़ी पोलाइट पर्सन है, काफ़ी नम्र इंसान है, ठीक है, निषाद ने माया को बीच में रोकते हुए कहा। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, तो अब माया निषाद को कहती है कि वो हम उसने हमसे सिर्फ इसीलिए बात करी क्योंकि उसे करनी थी। आई सेड, मैंने कहा, एंड सिंस ही वॉन्ट ही वॉज अंडर ममाज मेडिकल ट्रीटमेंट ही हैड टू बी पोलाइट, और क्योंकि ममा ही उसकी देख रेख कर रही थी, ममा ही उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी, इसलिए उसे पोलाइट तो होना ही था। नाउ फैक्ट नंबर फोर, ही डज नॉट रिसीव एनी लेटर्स, और उसके पास में इतने खत भी नहीं आते, मतलब उसके इतने कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। तो ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये सब डाउटफुल फैक्ट्स हैं जो माया जो है अपने ब्रदर को कन्विंस करना चाह रही है, कि इससे ये पता चलता है कि ये ज़रूर एक चोर इंसान है। सेवन नॉडेड। नंबर फाइव, ही इज़ बिन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर्स हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यूड, और वो जो है साल भर से ज़्यादा हो गया उसको, रूम नंबर 10 में ही वो शंकर के मकान में रह रहा है। नाउ नंबर सिक्स ये है, ही डज नॉट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, नंबर सिक्स ये भी है कि वो काम भी नहीं करता, बेरोजगार है और पूरे दिन अपने कमरे में बैठा रहता है। नंबर सेवन, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केर्ड ऑफ हिम, शंकर के घर में जो भी बच्चे बच्ची हैं और जो भी इनफैक्ट जो बड़े लोग भी हैं वो सब उससे डरते हैं, आर स्केर्ड ऑफ हिम, ठीक है। नाउ नंबर एट, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, उसके कोई भी उससे मिलने के लिए नहीं आता, कोई भी उसके दोस्त नहीं है सिवाय एक के जो चश्मा लगाता है, फेयर मतलब थोड़ा गोरा सा है, और फैट मैन मतलब मोटा व्यक्ति जो हर संडे, हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच, और सुबह के खाने के लिए वो मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है, ठीक है। नंबर नाइन, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम, खाना और चाय जो है उसके रूम में ले जाया जाता है बाय रमेश के द्वारा फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, उस घर के नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से रमेश जो है मिस्टर नाथ के लिए खाना और चाय लेकर के जाता है। ही डज नॉट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली, मिस्टर नाथ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहा है और क्या खाते हैं, मतलब उनका जो खाना है वो काफ़ी सिंपल सा होता है और सेम सा होता है, वो हर रोज़ जो है वो एक जैसा ही खाना खाते हैं और अपना बिल जो है वो इमीडिएटली पे कर देते हैं और टिप भी अच्छी खासी देते हैं। तो दैट एंड्स माई लिस्ट, और ये मेरी लिस्ट हुई ख़त्म। हैव आई फॉरगॉटन एनी थिंग सेवन, क्या मैं कुछ और भूल रही हूँ? तो देखो अभी तक जो हमने पढ़ा नंबर वन नंबर टू और जो ये जितने भी फैक्ट्स जो हमने पढ़े हैं, ये निषाद की जो सिस्टर है माया वो टेबल पर बैठे बैठे उस पेज पर लिख रही थी बिकॉज उसे एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह वो काम करना चाह रही थी, तो उसने इसलिए ये जो है शीट ऑफ पेपर पर ये सारे फैक्ट्स लिखे, और शी वॉन्टेड टू कन्विंस हिज ब्रदर, वो अपने भाई को कन्विंस करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी कि ये जो है वो एक क्रुक है, एक चोर है, तो जिसको हम इस तरह से एक स्ट्रेटेजी वाइज हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे और उसको ट्रैप करेंगे, हम उसे फंसा लेंगे। नाउ निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, अब वो सोचती है कि निषाद जरूर मेरी ये जो लिस्ट ऑफ फैक्ट्स जो मैंने बनाई हैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friends. तो अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में अपनी बहन जो है वो
अपने ब्रदर को इतना कन्विंस कर रही थी, लेकिन फिर भी ये सब सुनने के बाद में माया को ऐसे ही लगा कि जो है निषाद जो है वो ज़्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा है, वो इतना ध्यान नहीं दे रहा था इस बात पे। और वो सिर्फ इतना ही उसने कहा कि बेचारा आदमी, उसके पास तो खाने पीने को इतने पैसे ही नहीं है, क्या क्या दोस्त क्या होंगे उसके पास, ही मस्ट बी सो लोनली, इतना अकेला इंसान है तो उसके पास दोस्त क्या होंगे, मतलब ठीक है बेचारा आदमी है। मतलब कुल मिला के जो निषाद जो है वो ये मानने को समझने को तैयार नहीं था कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रुक भी हो सकता है, एक चोर भी हो सकता है। हाउ कैन अ क्रुक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, कि एक चोर के दोस्त हो कैसे सकते हैं पागल इडियट। बहन अपने भाई को कहती है, निषाद को कहती है कि एक क्रुक के, एक चोर के दोस्त कैसे हो सकते हैं, आई ऑलमोस्ट शाउटेड, तो ये बात जो मैंने थोड़ी चिल्लाते हुए बोली। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, सेड निषाद। निषाद ने क्या कहा कि कम से कम उसके पास वो एक दोस्त तो है जो उसे हर संडे के दिन मिलने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट थॉट अकॉल्ड टू मी जस्ट देन, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस इन क्राइम। तो जैसे निषाद ने ये कहा कि उसके पास एक दोस्त तो है ना जो उससे हर संडे को मिलने के लिए आता है, हर लंच संडे के दिन लंच वो मिस्टर नाथ के साथ करता है, तो ये सुनते ही पहले माया के दिमाग में एक आइडिया आया, और वो क्या था कि वो इंसान जो है, दैट मैन मस्ट बी, जरूर मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस, मिस्टर नाथ्स अकम्प्लिस मतलब अ हेल्पर इन क्राइम, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो उसके साथ में चोरी करने में वो उसकी मदद करता होगा, जरूर वो इंसान जो है वो मिस्टर नाथ का पार्टनर ही होगा, पार्टनर इन क्राइम जिसको हम बोलते हैं, अकम्प्लिस का मतलब वही होता है। आई सेड मे बी ही कीप्स ऑल द लूट, हो सकता है वो सारे जो लूटे हुए पैसे अपने साथ रखता हो, और एंड ही कम्स नाउ एंड देन टू गिव पार्ट ऑफ इट टू हिज पार्टनर, और वो ऐसे ही हर हफ्ते एक दिन जो है संडे के दिन आता हो और मिस्टर नाथ को अपना शेयर देता हो, तो क्या पता वो सिर्फ वो खाने के बहाने मिस्टर नाथ को अपना हिस्सा देने के लिए आता हो, ऐसा भी हो सकता है। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, हो सकता उन और वो जो पैसा है वो उसको मिस्टर नाथ को अपने खर्चे के लिए देने आता हो। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट, बिल्कुल सही बात है, अब मैं बिल्कुल आई एम रियली श्योर और आई एम राइट, नाउ आई एम 100% श्योर कि ये तो ही इज़ अ क्रुक, और ये जो पर्सन जो है वो हर संडे एक स्ट्रेंज पर्सन जो मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है वो जरूर उसका अकम्प्लिस है, मतलब उसका मिस्टर नाथ का साथी है क्राइम के अंदर। इफ़ यू इंसिस्ट कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू माया। देखो अगर तुम बार बार ये कह रही हो कि वो एक क्रिमिनल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब तुमसे कुछ और डिस्कस करना चाहिए माया। निषाद गुस्से में ये बात अपनी बहन को कहता है, ठीक है, मतलब बहन जो है वो कंटिन्यूसली फोर्सफुली ये कहना चाह रही है कि मिस्टर नाथ एक क्रुक है, जिस पर निषाद जो है वो एग्री नहीं कर रहा होता है। तो गुस्से में वो अपनी बहन को कहता है, देखो तुम बार बार जो है वो उसे क्रिमिनल साबित करने पे तुली हुई हो, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अब कुछ और डिस्कस करना बाकी रह गया तुम्हारे साथ में, गुस्से से वो कहता है। ही कैन नॉट बी सच अ बैड मैन, वो ऐसा बुरा आदमी नहीं हो सकता मुझे तो नहीं लगता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, रमेश को कुछ अच्छी टिप्स अगर वो दे रहा है, तो वो एक अच्छे इंसान होने के नाते अगर वो कुछ टिप्स एक्स्ट्रा दे रहा है, इसका मतलब हम यूँ नहीं कह सकते कि वो एक चोर है, उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा है, दैट्स व्हाई ही इज़ गिविंग सच जनरस टिप्स। रमेश प्रोबेबली नोज समथिंग अबाउट हिज पास्ट, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड। तो माया इसके जवाब में कहती कि यार देखो रमेश जरूर कुछ ना कुछ मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में जानता होगा, तो हो सकता है मिस्टर नाथ जो है वो रमेश को भी थोड़ा बहुत घूस, ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, ठीक है, कि कमीशन के तौर पर वो उसको पैसा दे रहे हैं ताकि वो उसे चुप रख सके, ऐसा भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे, यहाँ से आगे है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।